हेलो डियर फ्रेंड्स, आज हम सिंथेसिस चैप्टर के अंतर्गत एक नए नियम के साथ दो या दो से अधिक सिंपल सेंटेंसेस को जोड़कर एक सिंपल सेंटेंस बनाना सीखेंगे। वो नया नियम क्या है? नया नियम है बाय यूजिंग ए कंजंक्शन, एक कंजंक्शन का प्रयोग करते हुए। ये कंजंक्शन क्या होता है? आप जैसे रेल में यात्रा करते हैं, आप देखते हैं कि कुछ स्टेशनों पर लिखा रहता है, जैसे मान लीजिए देवबंद है तो उस पर लिखा देवबंद रेलवे स्टेशन। आप ऐसे तलेड़ी जाओ, नगल जाओ, फिर टपरी जाओ तो टपरी पे लिखा रहता है टपरी जंक्शन। तो जंक्शन का मतलब ये है कि जहाँ पे कम से कम दो दिशाओं से आकर रेलगाड़ियाँ मिलती हैं, यानी दो रेल की पटरियों, रेल की दो पटरियों के जो संगम स्थल है उसको जंक्शन कहते हैं, यानी उस पे दो तरफ से आती हुई रेल की पटरियाँ मिलती हैं तो वो जंक्शन है। कंजंक्शन को आप यही मान सकते हैं कि दो चीज़ों को जोड़ने वाला शब्द, वह शब्द जो दो नाउन को, दो प्रोनाउन को, दो क्लोजेस को, या दो सेंटेंसेस को, या दो सब्जेक्ट को, या दो ऑब्जेक्ट को जोड़ता है। फिर समझ लीजिए, कंजंक्शन हिंदी में जिसे कहते हैं समुच्चय बोधक शब्द, वह शब्द होता है जो दो शब्दों को जोड़ता है, दो सब्जेक्ट्स को जोड़ता है, दो ऑब्जेक्ट्स को जोड़ता है, दो क्लोजेस को जोड़ता है, या दो सेंटेंसेस को जोड़ता है। तो दो शब्दों, दो सब्जेक्ट को, दो ऑब्जेक्ट को, या दो क्लोजेस को, या दो सेंटेंसेस को जोड़ने वाले शब्द को कंजंक्शन कहते हैं। जैसे एंड, एंड मैंने और, एज वेल एज मैंने और भी। तो यहां पे समान बातों को जोड़ने के लिए एंड शब्द का प्रयोग किया जाता है। बाकी तो ये चार प्रकार के कंजंक्शन होते हैं जो हम आगे चल के आपको बताएंगे, कुमुलेटिव कंजंक्शन, अल्टरनेटिव कंजंक्शन, इलेटिव कंजंक्शन और विरोधी बातों को जोड़ने के लिए विरोध सूचक कंजंक्शन, एडवर्सेटिव कंजंक्शन। ये आगे चल के हम विस्तार से इसके बारे में चर्चा करेंगे, लेकिन फिलहाल हमें एंड का या मैक्सिमम एज वेल एज का प्रयोग करना है। कभी कभी विद प्रीपोजिशन होती है, इस विद से भी कंजंक्शन का काम चलाया जा सकता है, विद से ही काम चल जाता है, उसमें दूसरे कंजंक्शन की एंड की आवश्यकता नहीं पड़ती। तो एंड या विद का प्रयोग करके हम दो या दो से अधिक सिंपल सेंटेंसेस को जोड़कर एक सिंपल सेंटेंस बनाएंगे। कैसे, देखिए, सपोज कीजिए ये दो वाक्य हैं, राम वेंट टू आगरा, राम आगरा गया, श्याम वेंट टू आगरा, श्याम आगरा गया। अगर हम इन दोनों वाक्यों को जोड़कर एक बनाएं तो क्या होगा? राम आगरा गया, श्याम आगरा गया, तो ऐसे हो जाएगा राम और श्याम आगरा गए। तो राम और श्याम को एंड से जोड़ देंगे, राम एंड श्याम, राम एंड श्याम वेंट टू आगरा, राम और श्याम आगरा गए। यहाँ पे जो दो सब्जेक्ट हैं, इसका सब्जेक्ट राम है, इसका सब्जेक्ट श्याम है, तो राम और श्याम को एंड से जोड़ दिया, राम एंड श्याम वेंट टू आगरा, ये हो गया। राम एंड श्याम वेंट टू आगरा, राम और श्याम आगरा गए। गीता वेंट टू द मार्केट, गीता बाजार गई।
हर मदर वाज विद हिम, उसकी माताजी उसके साथ थी। गीता वेंट टू द मार्केट, गीता बाजार गई। हर मदर वाज विद हिम, उसकी माताजी उसके साथ थी। तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, गीता बाजार गई किसके साथ, अपनी माताजी के साथ। तो इसमें केवल साथ यानी विद का प्रयोग हो जाएगा, गीता गई बाजार अपनी माताजी के साथ विद हर मदर। गीता वेंट टू द मार्केट विद हर मदर, गीता अपनी माँ के साथ बाजार गई। गीता बाजार के साथ कौन था, हर मदर वाज विद, उसके साथ उसकी माँ थी। तो गीता गई बाजार अपनी माँ के साथ, ऐसा हो जाएगा एक वाक्य, गीता वेंट टू द मार्केट विद हर मदर। गीता वेंट टू द मार्केट विद हर मदर, गीता अपनी माँ के साथ बाजार गई। पंडित नेहरू वाज ए ग्रेट पैट्रियट, पैट्रियट मतलब देशभक्त। पंडित नेहरू वाज ए ग्रेट पैट्रियट, पंडित नेहरू एक महान देशभक्त थे। ही वाज ए गुड स्पीकर, वह एक अच्छे वक्ता थे। पंडित नेहरू वाज ए ग्रेट पैट्रियट, पंडित नेहरू एक महान देशभक्त थे। ही वाज ए गुड स्पीकर, वह एक अच्छे वक्ता थे। तो पंडित नेहरू क्या थे, पंडित नेहरू एक महान देशभक्त थे बस, नहीं और क्या थे, एक अच्छे वक्ता थे। तो यूं लिख सकते हैं हम दोनों को एक मिला के, पंडित नेहरू एक महान देशभक्त और एक अच्छे वक्ता थे। तो पंडित नेहरू वाज ए ग्रेट पैट्रियट एंड ए गुड स्पीकर, पंडित नेहरू वाज ए ग्रेट पैट्रियट एंड ए गुड स्पीकर, ये हो जाएगा। पंडित नेहरू वाज ए ग्रेट patriot and a good speaker, ये हो गया। पंडित नेहरू was a great patriot and a good speaker, पंडित नेहरू एक महान देशभक्त और एक महान और एक अच्छे वक्ता थे। He ate sweets, उसने मिठाइयाँ खाई। He ate ice cream, उसने आइसक्रीम खाई। उसने खाई मिठाइयाँ, उसने खाई आइसक्रीम। तो कैसे दोनों को एक जोड़ कैसे लिखे, उस क्या क्या खाई उसने, मिठाइयाँ और आइसक्रीम। तो लिख दो, उसने खाई मिठाइयाँ और आइसक्रीम, तो क्या हो गया, He ate sweets and ice cream, दो चीज़ खाई, sweets और आइसक्रीम। तो स्वीट्स एंड आइसक्रीम, ही एट स्वीट्स एंड आइसक्रीम, ही एट He ate sweets and ice cream. Mohan is a good player. Mohan एक अच्छा खिलाड़ी है। Sohan is a good player. Sohan भी एक अच्छा खिलाड़ी है। तो दोनों को कैसे लिखेंगे?
मोहन एक अच्छा खिलाड़ी है, सोहन एक अच्छा खिलाड़ी है, यानी मोहन और सोहन, मोहन और सोहन अच्छे खिलाड़ी हैं। मोहन एंड सोहन आर गुड प्लेयर्स। एंड से जब दो सब्जेक्ट जुड़ते हैं तो क्रिया हमेशा बहुवचन आती है, तो मोहन एंड सोहन आर गुड प्लेयर्स। मोहन एंड सोहन आर गुड प्लेयर्स। मोहन और सोहन अच्छे खिलाड़ी हैं, प्लेयर्स हो जाएगा जब बहुवचन। मोहन एंड सोहन आर गुड प्लेयर्स, क्योंकि एक से ज्यादा दो हो गए हैं तो इसलिए बहुवचन हो जाएगा प्लेयर्स। मोहन एंड सोहन आर गुड प्लेयर्स। वी सॉ द रेड फोर्ट, मैंने देखा लाल किला, नहीं हमने देखा लाल किला। वी सॉ द रेड फोर्ट और वी सॉ द कुतुब मीनार, हमने देखी कुतुब मीनार। हमने लाल किला देखा, हमने कुतुब मीनार देखी, तो हमने क्या क्या देखा, लाल किला और कुतुब मीनार। तो वी सॉ द रेड फोर्ट एंड द कुतुब मीनार। We saw the Red Fort and the Qutub Minar. जितनी भी बिल्डिंग है सब बिल्डिंग के पहले दी का प्रयोग होता है, the Red Fort, the Taj Mahal, the Qutub Minar. We saw the Red Fort and the Qutub Minar. यो अब ये नेक्स्ट देखिए, शी वॉज हंग्री, शी वॉज टायर्ड, वह भूखी थी, वह थकी हुई थी। तो इसमें दो बात है, एक वो भूखी थी एक वो थकी हुई थी, दोनों को जोड़ दो एंड से, शी वॉज हंग्री एंड टायर्ड, तो ये हो गया शी वॉज हंग्री एंड टायर्ड, वह भूखी और थकी हुई थी। नेक्स्ट, माई फ्रेंड लिव्स इन मसूरी, मेरा मित्र मसूरी में रहता है, हिज फैमिली इज विद हिम, उसका परिवार उसके साथ है। तो कैसे हो जाएगा, यो मेरा मित्र रहता है मसूरी में अपने परिवार के साथ, तो क्या हो जाएगा भाई, माई फ्रेंड लिव्स इन मसूरी, मेरा मित्र
मित्र मसूरी में रहता है। विद किसके साथ? अपने परिवार के साथ। विद हिज फैमिली, विद हिज फैमिली, ये हो गया। माय फ्रेंड लिव्स इन मसूरी विद हिज फैमिली, मेरा मित्र मसूरी में रहता है अपने परिवार के साथ। ऐसे भी लिख सकते हैं, माय फ्रेंड अलोंग विद हिज फैमिली लिव्स इन मसूरी। आसान यही है, माय फ्रेंड लिव्स इन मसूरी विद हिज फैमिली। ये देखिए नेक्स्ट, द फार्मर हैड ए काउ, किसान रखता था एक गाय, या किसान के पास थी एक गाय। ही टाइड द काउ, उसने बांध दिया, टाइड मैंने बांध दिया, द काउ गाय को, विद ए रोप एक रस्सी से, उसने गाय को एक रस्सी से बांध दिया। ही टाइड हर, उसने उसको बांध दिया टू ए ट्री। ही टाइड हर टू ए ट्री, उसने बांध दिया उसको एक पेड़ से। The cow was old, गाय बूढ़ी थी। The cow was weak, गाय कमजोर थी। तो कैसी थी गाय? बूढ़ी और कमजोर। The cow was old and weak, एक तो यही हो गया इन दो का। और the farmer had a cow, किसान के पास एक गाय थी। He tied the cow with a rope, उसने गाय को बांध दिया रस्सी से। He tied her to a tree, उसने उसको एक पेड़ से बांध दिया। तो कैसे हो जाएगा कि किसान ने अपनी कमजोर और बूढ़ी गाय को रस्सी के साथ पेड़ से बांध दिया। द फार्मर ही टाइड, उसने बांधा, किसने? फार्मर ने। द फार्मर टाइड दी के बजाय यहां लिख दो अपनी, हिज। द फार्मर टाइड हिज ओल्ड एंड वीक काउ विद ए रोप टू ए ट्री। तो कैसे हो गया? द फार्मर, किसान ने टाइड बांध दिया किसको? हिज ओल्ड एंड वीक काउ, अपनी बूढ़ी और कमजोर गाय को, विद ए रोप, एक रस्सी के साथ, टू ए ट्री, एक पेड़ से। ये हो गया इनका, कितने सेंटेंस थे? पांच, पांच वाक्यों का बस एक ही हो गया। द फार्मर टाइड हिज ओल्ड एंड वीक काउ, द फार्मर टाइड हिज ओल्ड एंड वीक काउ विद ए रोप टू ए ट्री। किसान ने अपनी बूढ़ी और कमजोर गाय को रस्सी के साथ एक पेड़ से बांध दिया। द राइटर साय रेफ्यूजी गर्ल, लेखक ने देखी एक शरणार्थी लड़की। शी वॉज 9 years old, वह 9 साल की थी। शी वॉज टाल, वह लंबे कद की थी। शी वॉज ब्यूटिफुल, वह सुंदर थी। तो क्या हो जाएगा सबको जोड़ के? लेखक ने एक रेफ्यूजी लड़की देखी, वो 9 साल की थी, वो लंबी थी, वो सुंदर थी। तो लेखक ने देखी एक शरणार्थी, 9 साल की शरणार्थी लड़की, लंबी और सुंदर। तो क्या हो जाएगा? द राइटर सा ए 9 years old, पहले से लिखो, द राइटर सा ए 9 years old कोमा टाल एंड ब्यूटिफुल रेफ्यूजी गर्ल। द राइटर, लेखक ने सा ए 9 years old कोमा, जब दो से अधिक एडजेक्टिव या कुछ चीज अन्य चीज जोड़ते हैं तो पहले के बाद कोमा, और जो बाद के दो उसमें एंड का प्रयोग करना चाहिए, बाकी सब में कोमा। 9 years old टाल एंड ब्यूटीफुल, रेफ्यूजी गर्ल।
क्योंकि द राइटर सॉ ए 9 years old टॉल एंड ब्यूटीफुल रेफ्यूजी गर्ल। ये हो गया सारों को मिला के एक, चार वाक्यों को जोड़ के ए हो गया। तो इस प्रकार से हम एंड का या विद का प्रयोग करते हुए दो या दो से अधिक सिंपल सेंटेंस को जोड़ के एक सिंपल सेंटेंस बना सकते हैं। कल हम शुरू करेंगे एक नया चैप्टर और उसमें क्या होगा, उसमें हम दो या दो से अधिक सिंपल सेंटेंसेस को जोड़कर एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाना सीखेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू वेरी मच बॉयज, थैंक यू वेरी मच।